अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू बाबू व्लॉग्स एड इन्फो। दोस्तों, मैं हूँ अरशद बाबू और आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हमेशा आपको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली हमारी तमाम वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। दोस्तों, आज 11वीं शरीफ का दिन है तो इसी सिलसिला में आज हम पहुंचे हैं बाबा जी मस्त सरकार के दरबार मुबारक पर। बाबा जी मस्त सरकार का दरबार मुबारक ज़िला कसूर के शहर चूनिया के नवाही गांव बैड़वाल शरीफ में वाक़िया है। बाबा जी मस्त सरकार का असल नाम पीर सैयद अब्दुल अजीज़ शाह साहिब था। बाबा जी का उर्स मुबारक 5 जनवरी को हर साल यहाँ मुनक़द किया जाता है और यहाँ दूर दराज से ज़ायरीन यहाँ आते हैं और अपनी मन की मुरादें पाते हैं। तो आइए हम आपको बाबा जी के दरबार की मुकम्मल ज़ियारत करवाते हैं। ये जो कब्र मुबारक है, ये बाबा जी मस्त सरकार उनकी वालदा मोहतरमा की है और यहाँ लिखा हुआ है बाहर के मर्द हजरात का दाखिला सख्ती से मना है। यहाँ किसी भी मर्द को इजाज़त नहीं है कि वो अंदर जाए, बहुत सख्ती से मना किया गया है। आइए आगे ये फ्लैक्स पे देखें, फ्लैक्स पे भी लिखा हुआ है, वही मेंशन किया गया है, ख्वाजा ख्वाजगा पीर तरीक़े रहबर शरीयत हज़रत पीर सैयद अब्दुल अज़ीज़ बाबा जी मस्त सरकार साहब, क्योंकि बाबा जी का असल नाम जो था वो पीर सैयद अब्दुल अज़ीज़ साहब था। इसके अलावा बाबा जी मस्त सरकार को बतखों वाली सरकार और नहरों वाली सरकार भी कहा जाता है, क्योंकि बाबा जी को बतखों से, परिंदों से, नहरों से बड़ा प्यार था। बाबा जी को पहले मैं बता चुका हूँ कि बाबा जी पहले जो थे वो नहर में भी नहा लिया करते थे। ये जो 7 ही नहरें हैं, बाबा जी यहाँ नहाते थे, उनको बड़ा शौक़ था नहरों में नहाने का। और ये जो कब्र मुबारक है, ये बाबा जी के वालिद साहब की है। बाबा जी मस्त सरकार उनके वालिद साहब पीर सैयद अकबर अली शाह साहब, अकबर शाह साहब उनके वालिद मोहतरम का नाम था। ये बाबा जी के वालिद साहब की कब्र है, ये आपको कैमरा मैन अंदर जाके दिखा सकता है।
हाँ जी ये बाबा जी तो भाई सन और इस तुम जी भाई है दो भतीजे ने बाबा जी वो जो सात कब्रे हैं उनका मुझे नहीं पता था। मैंने जो बुजुर्ग हमारे बैठे हैं मैंने इनसे पूछा है वो बता रहे हैं कि एक बाबा जी के भाई थे और जो सात दूसरी कब्रे हैं वो बाबा जी के भतीजे थे यानी कि भाई के बेटे थे। तो मैं आपको उनका जो कब्रे हैं उनकी भी ज़्यारत करवाता हूँ। आज हम उस तरफ बढ़ते हैं वो पीछे जो कब्रें आपको दिखाई थी वो चाचा जी बता रहे हैं कि वो बाबा जी के हमशीरा और मजीद जो अजीज व अकारब थे उनकी कब्र मुबारक है। तो आइए हम आपको मजीद जो कब्रें रह गई उनकी ज़्यारत करें। बाबा जी बहुत शुक्रिया। ये जो कब्र मुबारक है ये ग़ुलाम मुस्तफ़ा शाह साहब जो के बाबा जी अब्दुल अजीज़ शाह साहब बाबा जी बस सरकार उनके भाई थे ये उनकी कब्र मुबारक है। और साथ ही जो दो कब्रें हैं ये बाबा जी के भतीजे थे उनके बाबा जी बस सरकार उनके भाई के बेटे थे ये उनकी दो कब्रें। और जो पीछे कब्रें आपको दिखाई थी वो बाबा जी के हमशीरा और इनके अलावा जो दूसरे अजीज़ अकारब हैं उनकी कब्रें हैं। वो बुज़ुर्ग जो मिले वो बता रहे थे कि ये सारा जो बाबा अकबर शाह साहब यानी कि बाबा जी बस सरकार उनके पूरे ख़ानदान की कब्रें हैं इधर यानी कि कोई दूसरा बंदा इधर नहीं है सिर्फ और सिर्फ बाबा जी बस सरकार और उनके अजीज़ो अकारब उनकी तमाम की कब्रें इधर बनाई गई हैं। आपने सुन रखा होगा कि दोस्त दोस्तों की जान होते हैं और दोस्तों के दरमियान बड़े बड़े राज की बातें होती हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं इस वक्त जो हमारे साथ जो बुज़ुर्ग बैठे हैं ये बाबा जी मस्त सरकार रहमतुल्लाह अलैह उनके दोस्त थे बड़ा टाइम इकट्ठा गुजारा है। तो हम इनसे कुछ बातें पूछते हैं ये हमें आगाह करते हैं बाबा जी के बारे में कि बाबा जी ने अपनी हयाती कैसे गुजारी। और ये अंकल जो बैठे हैं ये हमें बता रहे हैं कि बाबा जी की जो तस्वीर थी वो नहीं आती थी जो भी मतलब कैमरामैन आता था यहाँ तस्वीरें बनाते थे लेकिन तस्वीर बना के चले जाते थे जब उसकी डेवलपिंग करवाने लगते थे तो वो तस्वीर नहीं आती थी बिल्कुल साफ़ हो जाती थी ऐसे ही था जैसा कि तस्वीर उतरी ही नहीं। तो इस वक्त हमारे साथ अंकल जी मौजूद हैं हमारे बुज़ुर्ग हैं हम इनसे कुछ बाबा जी के जो वाक़यात हैं वो सुनते हैं और आप तक पहुँचाते हैं। जी बाबा जी ਪ੍ਰਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਅੱਜ ਆ ਨੀ ਖੀਰ ਨੀ ਖਾਂਦਾ ਇਹ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਏ ਦਾ ਕਿਆ ਅਰਨੀ ਦਾ ਕਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਤਾ ਰਹੇ ਕਿ ਆਪ ਜੋ ਘਰ ਸੇ ਖਾ ਕੇ ਆਤੇ ਥੇ ਜੋ ਇਧਰ ਮਹਿਮਾਨ ਆਤੇ ਥੇ बाबा जी को बता देते थे कि आप क्या खा के आए हैं और मज़ीद क्या खाना पसंद करेंगे बाबा जी वो भी बता देते थे। और कुछ और कोई ना नहर को देख लो नहर बड़ी जी बिल्कुल सात नहर ऐसे बच्चे ले जाके पुल ते खलो के बच्चे बच्चे ਉਹ ਬੱਚੇ ਨਹਾਦੇ ਰਹਿਣੇ ਬੱਚੇ ਨਹਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਿਆ ਪੁੱਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਜਾਤੀ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਡੇ ਐਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਖੜੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਂਦੇ ਸੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਹਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਣ ਜਾਓ ਉਹ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਮਾਂ ਆਪ ਚਾਲ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਮਾਤਾ ਚਾਲ ਲੱਤ ਕਿਤੇ ਬਾਂਹ ਕਿਤੇ ਸਿਰ ਕਿਤੇ ਘਰ ਕਿਤੇ ਆਪੋ ਤਾਪ ਲੈ ਬਾਬਾ ਦਾ ਚਾਲ ਹਾਂ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਦੇ ਕੇ ਬੈਠਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਤਾ ਰਹੇ ਇਹ ਸਾਧ ਦੀ ਨਹਿਰ ਹੈ ਜਿਸੇ ਜੁੜਵਾ ਨਹਿਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਤਾ ਰਹੇ ਕਿ ਵਾਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੋ ਬਸ ਸਰਕਾਰ ਰਹਿਮਤੁਲ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਵੋ ਛੋਟੇ ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਲੈ ਜਾਤੇ ਥੇ
और वहाँ जाके उनको कहते थे कि आप नहा लो। वो नहर बहुत गहरी है लेकिन बाबा जी की करम नवाजी होती थी साथ, वो बच्चे नहाते थे लेकिन उनको कुछ भी नहीं होता था। ये वो नहर जो है वो सिर्फ यहाँ तक आती थी बच्चों के। जी बाबा जी और कुछ इसी तरह हर तरह ही मतलब ये है जो परले पासे मकान बने। हाँ जी ये हिंदुस्तान का बंदा जिन्हें आके बनाया। अच्छा अच्छा हाँ जी बनिया ने कोल पर हिंदुस्तान के वो इतने आया थे इनके को मेरे पुत्र फांसी ला के दे पे तला बचा हिंदुस्तान इतने चल के आया इन्हें जा तरीक तो बड़ी हो जाए। वो लिखता सी उमर राय मौत लिखेंदे सी बड़ी क्या बात बड़ी हो गया ना ते मकान बना के दिते क्या बात क्या बात। बाबा जी बता रहे हैं एक हिंदुस्तान के को बंदे थे वो बाबा जी के पास आते थे उनको उनका कोई केस था जिसमें उनको फांसी होनी थी। जब बाबा जी ने दुआ की तो वो फैसला होने लगा तो जो जज था वो फांसी लिखता था लेकिन नहीं लिखी जाती थी क्योंकि बाबा जी की पावर पीछे थी। वो बरी हो गया और फिर उस हिंदू ने इधर आके बाबा जी की याद में मकान बनवा के दिए बाबा जी को। क्या बात। इसी के साथ वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। हम अपने बुजुर्गों से इजाज़त चाहते हैं उनसे इजाज़त मांगते हैं ज़्यादा वीडियो लंबी हो गई। मैं बाबा जी को एक और वाक्य याद आ गया वो भी सुनते हैं माशाल्लाह। क्या बात है कंदू वाला गिरपुर के नाल पर लगा कंदू वाला कंदू वाला आ चढ़ के देखते हैं आ मैं चढ़ के देखते नाल अगले पर कंदू वाला उतो का मरीज वो इतने आया तो उनकी मोटरसाइकिल जो तेल खत्म हो गया जो तो इतने बैठे होंगे कद कार बना देते कद मोटरसाइकिल कोई भी बना दे रहना जे कि तू मंग ली आ तो तेनों देती है कितों तो नहीं बच्चा जाना फलानी था तो उतों तो नहीं जाती अगर नहीं जाना उवे बाबा उदू अगर नहीं जाना फिर उन्हें उन्हें बाबा जी मेरे को पैसा भी कौन से तेल भी उन्हें रेत की मोटर भरी टैंकी जी पाई बंद कर दिया मुके का ही नहीं वो 15 दिन चलती रही 16वें दिन एक तेरे मेरे वर्ग मंगन वास्ते आ गया तो उन्हें टैंकी खोल दी उन्हें टैंकी ना खोली वो 15 दिन चला दे उस रेत पर मोटरसाइकिल चलती रही जिसले वो मंग के लै गया उन्हें आया मैं तेल का वेखा है कि नहीं उन्हें खोली दिखो साफ उन्हें दिया मेरा बेड़ा प्रोत है मैंने 15 दिन हो गए चला देने मैं की लड़ सी वेखन की तू क्या बात है क्या बात है सुभान अल्लाह ये होंगे जी मोजते ने अल्लाह तला के असा कुछ नहीं कह सकते। इसी तरह जी हम बाबा जी अगर मोजते सुनते रहे तो दिन से रात रात से दिन फिर दिन से रात दिन ख़त्म हो जाएंगे लेकिन बाबा जी के मोज से जो उन्होंने अपनी हयाती में इधर हुए वो ख़त्म नहीं हो सकते। तो इसी के साथ हम अपने बुज़ुर्गों से इजाज़त चाहते हैं इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।